वेलकम बैक टू बाय पारस एंड कोड पीटी देखिए इंपैक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट एंड बॉइलिंग में क्या असर आता है तो एच टू का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बाकी सबसे इनसे ज्यादा है जबकि डाउन द ग्रुप जाने पे एच टू एस से एच टू एस सी और एच टू टी ई में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो सर्फेस एरिया बढ़ता है और सर्वेस एरिया बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था अपने यहां पर यहाँ पे नहीं बढ़ा मतलब बाकी उनका तो बढ़ रहा है पर तो वाटर का सबसे ज्यादा है इनमें से क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम चीज एच और अमोनिया में भी फॉलो होती है तो इनको अगर आप हटा दें और बाकियों का अगर आप ट्रेंड देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पे सरफेस एरिया बढ़ता है इसलिए आपकी स्ट्रेंथ या अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और तो वहां पर रीजन है वॉटरवल फोर्सेस और इनका रीजन है, है एच बॉन्डिंग फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एच टू ओ से ज्यादा है ईथर से ज्यादा है क्योंकि मिथेनो में एच तो हो रही है पर उतनी इफेक्टिव नहीं हो रही जितनी वाटर में हो रही क्योंकि वाटर में दोनों हाइड्रोजन एच में पार्टिसिपेट का बॉयलिंग पॉइंट सी एच थ्री सी एच टू एफ से ज्यादा है जबकि दोनों का जो डायपोल दैट इज ऑलमोस्ट सेम एसिड का अल्कोहल से ज्यादा होता है यूरिया सॉलिड है एसिडोन लिक्विड है एच थ्री बीओ थ्री इज अ सॉलिड बोथ सोडियम बायकार्बोनेट और जो बोरिक एसिड है दे आर स्टेबिलाइज क्योंकि उनकी क्रिस्टल में एच बॉन्डिंग हो रही है और इसलिए उनका लो सॉलिबिलिटी होता है वॉटर में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से विस्कॉसिटी बढ़ती है कीप शेयरिंग एंड कीप यूजिंग द कोड पीटी लाइव टू सपोर्ट माई एफर्ट्स थैंक यू